गुड मॉर्निंग। हम आज आपको ओटी तथा शून्यता के बारे में बताएंगे इकलांग फार्म से, कि इकलांग फार्म से हम कैसे ओटी निकालते हैं तथा शून्यता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर हमें ओटी और शून्यता ज्ञात करना हो इकलांग फार्म से, तो कैसे हम निकालेंगे और कैसे हम करेंगे, इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। उसके बाद भी हम इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं। समझाने का तरीका ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन है -1, -2, -3, -2, -5, -1, -2, -8, -5, -12, -1, -6, तो हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया, और उतारने के बाद ये करेंगे कि ये वाला टर्म हम कैसे भी जीरो कर। तो हमने क्या किया कि R2, हम ये भी जानते हैं कि ये हमारा रो है, ये R1, R2, R3, R4 ये रो है, तो हम R2 में चेंजिंग करेंगे, R2 में कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे ये हमारा जीरो हो जाए। अगर हमने इसमें टू जोड़ा तो ये देख रहे हैं -2 और +2 जीरो हो गया, हमारा ये सफलता मिल गया। उसके बाद इसमें टू से मल्टीप्लाई किया तो -5, ये हमारा कितना हो गया -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि -5 हमारा बड़ा था। उसके बाद हमने क्या किया, 2, 3, 6 और 6 में ये 6
थोड़ा सा ऊपर वाले क्लिक करते हैं। तो आपका रैंक कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब जब रैंक निकल गया तो कह रहा था कि शून्यता भी निकालना है। शून्यता निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्गाकार आव्यूह का क्रम माइनस कोटि, क्या कहेंगे, वर्गाकार आव्यूह का क्रम माइनस कोटि। तो वर्गाकार आव्यूह हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो ट्रांसपोज का है। ये कंफर्म है कि हमारा जो मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4, तो वर्गाकार आव्यूह का क्रम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसमें से 2 घटा देंगे तो ये हमारा क्या निकल गया, शून्यता निकल गया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इसमें हम वर्गाकार इसकी कोटि भी निकाल लेते हैं और शून्यता भी निकाल लेते हैं। जब हम कोटि और शून्यता निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन का हम काम कर लेंगे कि हमारा क्या करना है। इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो भी वर्गाकार आव्यूह और शून्यता निकालना होगा वो हो जाएगा। ये हम एकलांक खाते से निकालते हैं। ऐसे ही हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं। सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन को और बता दूं जिससे कि हमारा सही रहेगा। एक क्वेश्चन को और ट्राई कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इसी तरीके से। क्वेश्चन है कि अगर हमारा कोई आव्यूह है, आव्यूह है 1 2 3 1 2 3 और 1 4 2 1 4 2 और 2 6 5 2 6 5, तो इसकी कोटि हमको ज्ञात करनी है। कोटि की कोटि ज्ञात करनी है कि कोटि ज्ञात करना है। कोटि मतलब रैंक। ठीक है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखा, उसमें हम लिख देंगे सेम यही चीज, और इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि हम क्या ऐसा कर सके कि 0 हमारा आ सके, और उसके बाद फिर से हम उसको, ये तुल्य का साइन है। तो इसमें हम देखेंगे R2 में से R1 को घटाते हैं। अगर हम R2 में से R1 को घटाते हैं, R2 AO R2 minus R1, अगर हम R2 में से R1 को घटाते हैं और R3 में से 2R1 घटाते हैं, तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको घटाया तो 1 में से 1 जाए 0, 4 में से 2 जाए 2, 2 में से 3 जाए -1। ये बात समझ में आया, सबको आ गया होगा। वैसे ही अब 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से घटाया कितना हुआ 0, और इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हुआ 4, और 6 में से घटाया कितना हुआ 2, और फिर से इसमें 3 2 जा 6, 5 में से घटाया -1। ये बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को, सबको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम करेंगे ये कि R2 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आएगा, और शून्य पंक्तियों की संख्या अगर हम R2 में 2 का डिवाइड करते हैं, अगर हम R2 में 2 का डिवाइड करते हैं तो ये फिर हमारा हो जाएगा आव्यूह। अगर ये R2 में ए रो 1/2 R2 हम करते हैं तो वो वाले ये तो
डिवाइड होगा तो ये जीरो और ये वन हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू और ये हमारा जीरो टू और ये माइनस वन माइनस वन। फिर तीसरे के लिए हम अगर करते हैं तो इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या देखेंगे कि वो आना चाहिए, यहाँ से भी शून्य हम कैसे भी कर दे। अगर हम आर थ्री में से टू आर टू आर टू घटाते हैं तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा शून्य हो जाएगा। जैसे करेंगे कि आर थ्री में से आर थ्री ए हो आर थ्री ए हो आर थ्री माइनस टू आर टू, अगर हम घटाते हैं तो ये तो वन टू थ्री होगा, फिर ये जीरो भी होगा, वन होगा, माइनस वन बाई टू होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा। आने मतलब ये शून्य पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, दो आ गई, तो हम लिख सकेंगे रैंक हमारा कितना होगा, जो रैंक जो होगा हमारा जो रैंक है वो होगा, रैंक जो हो जाएगा वो हमारा दो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था लेकिन ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बन जा रहा है कि इसमें कोड याद करना है। तो हमने क्या किया, सेम वन टू थ्री ये क्वेश्चन को लिख दिया और एनी हाउ हम यही करते हैं कि यहाँ पे कैसे भी जीरो लेते हैं। तो जीरो ले आने के लिए हमने एक बार आर टू माइनस आर वन कर दिया, गुड इवनिंग ना, कितना बजट है टाइम बढ़ गया, टाइम तो बढ़ ही जाएगा, टाइम तो बढ़ ही जाएगा, अपने आप करने को आराम हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5 की कोटि ज्ञात करने के लिए हम यही करेंगे कि 1 2 3 1 4 2 6 5 और सबसे पहले हम कैसे भी एनी हाउ हम कैसे भी यहाँ और यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जीरो लेते आए तो हमारा काम बन जाएगा और जीरो लाने के लिए यही करते हैं कि क्या ऐसा कर दे हम कि जैसे यहाँ पे जीरो ले आने के लिए हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टू से जब मल्टीप्लाई कर दिया टू साइन इसमें से इसको घटा दिया, जब इसमें से इसको घटा दिया तो ये जीरो हो गया, फिर इसमें के लिए क्या किया हमने यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसमें से घटाया तो जीरो हो गया, और इसमें अब हमने इस लेवल बाय टू से मल्टीप्लाई किया कि बाद में अगर हम टू से करते हैं टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू से टू कटेगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा अब फिर माइनस ए प्लस हो जाएगा और इसमें घटेगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमारा रैंक निकालने का तरीका है और इसी से हम रैंक निकाल लेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक कोटि निकालने का है, कल हम देखेंगे कोटि के बाद का कुछ हम ना होगा देखेंगे सदिश रैखिक स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता कोटि उसके लिए कुछ हम देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर लगभग लगभग समाप्ति के तौर पे है और उसके बाद हम इसको इसमें जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो ना होगा कमेंट करेगा पूछेगा बताएगा, अगर कमेंट करेगा तो हम देखेंगे, अगर कमेंट में लगेगा कि हमें उसको कुछ बताने लायक है तो एक नया वीडियो अपलोड करके फिर से डाल देंगे। आप रिप्लाई जरूर करें, इसको देखें, इसमें सोचें और बताएं कि क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा तो कन्फर्म है कि उस कमेंट को मैं पढ़ के एक और वीडियो उसी पे अपलोड कर देंगे समझा के जिससे कि आपको समझ में आ जाए।